दादी ने इतना तकल्लुफ कर लिया, इन्हें अभी तो सिर्फ तारीख ही तय हुई है और देखो इतना कुछ लेके आ गई। मैं तो ना बस देखती जा रही थी और शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। बस अब तो दिन ही गिन रहा हूँ कि अगले महीने की 15 तारीख कब आएगी। कभी कभार तो लगता है कि मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा हूँ जैसे। हेला आसिफ, कहीं ये ख्वाब ही हुआ तो मैं क्या करूंगी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। परेशान ना हो, क्योंकि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। और इस हकीकत को मजीद रंगीन बनाने के लिए कल मैं और तुम शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हाय लाज़र, कितना मजा आएगा ना, हम दोनों साथ शॉपिंग करेंगे हैं। भाईजान। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, साग भाई। सलामकुम, आप कैसे? मेरा मतलब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बात ये बेटा कि हर रख रखाव वाले खानदान की कुछ रस्में होती हैं, कुछ रीत रिवाज होते हैं। जी जी। तो बेटा हमारे खानदान की रस्मों के मुताबिक जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मंसूब हो जाते हैं तो उनके माबैन गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से पर्दा करते हैं। हाँ वो ठीक है, बिल्कुल साहब भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हम दोनों ने मिलकर शादी की शॉपिंग करनी थी ना। लेकिन बेटा वो खानदानी रस्म रिवाज, उनका भी तो ख्याल रखना है ना। शाबाश, उनका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आप हेलो, तुम आज से पर्दा करो।